एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस से अपने लिए कौन सी सीट मांगी है? क्या सीटों को लेकर शरद पवार की डिमांड पूरी करेगी कांग्रेस? मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव में गठबंधन के मुद्दे पर बीएसपी से झटका खा चुकी कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में भी सीट बंटवारा इतना आसान रहने वाला नहीं है। खासकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार जिस तरह से कांग्रेस की सीट पर नजर गड़ाए हुए हैं, उससे सीट शेयरिंग पर दोनों दलों के बीच खींचतान होना तय माना जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। माना जा रहा है कि पवार पुणे लोकसभा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में खबर है कि एनसीपी कांग्रेस से पुणे की सीट मांग सकती है। खबर है कि महाराष्ट्र में गठबंधन को लेकर कांग्रेस और एनसीपी के बीच बैठकों का दौर जारी है। हालांकि इस खबर पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने कहा कि उन्हें पुणे सीट एनसीपी को देने को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि पुणे सीट के बारे में अभी चर्चा नहीं हुई है। पुणे सीट से शरद पवार के लड़ने की संभावनाएं इसलिए भी जताई जा रही हैं क्योंकि उन्होंने यहीं से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। हालांकि वो साल 2009 के लोकसभा चुनाव में चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी सीट भी बेटी सुप्रिया सुले के लिए छोड़ दी थी, लेकिन पार्टी के अंदर उनके चुनाव लड़ने की उठती मांगों के बाद अंत में वो माढ़ा से चुनाव लड़े और जीत भी दर्ज की। मगर 2014 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा और राज्यसभा सांसद बने। हालांकि पुणे लोकसभा सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट रही है। यहीं से सुरेश कलमाड़ी कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले के आरोप में उनके टिकट कट गया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में पुणे से राहुल गांधी के करीब डॉक्टर विश्वजीत कदम कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन वो भी हार गए। विश्वजीत फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पुणे सीट को लेकर पवार की डिमांड कांग्रेस मानती है या नहीं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।